हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सीबीएसई कॉर्नर। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बताने जा रहा हूँ, आंसर सीट ओएमआर कैसे फिल करनी है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। अगर आंसर ए है और आपने सी पे उसको टिक कर दिया, आपको पता है कि इसका आंसर ए है, आप सही नॉलेज रखते हैं, तो वहाँ कोई चेक करने वाला नहीं है, बिकॉज वहाँ कंप्यूटर बेस्ड चेकिंग होगी और उसमें वो सी ही मार्क करेगा। अब आपको कितनी नॉलेज है, कितना आता है, वहाँ सब वेस्ट है। थ्योरेटिकल पार्ट में ये होता था कि आपने कुछ गलत लिख दिया तो टीचर फिर भी एक आइडिया लगा लेता था कि इसका ये आंसर हो सकता है, इन्होंने ये सोच के ये लिखा होगा, बट यहाँ ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। तो ओएमआर सीट को कैसे पूरे तरीके से सही सही भरना है वो मैं आपको इसमें समझाने वाला हूँ। सपोज एक कैंडिडेट है, या फिर हम स्टूडेंट कह सकते हैं क्योंकि कैंडिडेट वहाँ लिखा रहेगा, तो उसका नाम है अंशिका, रजिस्ट्रेशन नंबर उसका दिया हुआ है, स्कूल कोड आपको पता है, टेस्ट बुकलेट नंबर यहाँ पर दिया हुआ है। तो आपको ओएमआर सीट कैसी दी जाएगी, फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसे रहेगा, सबसे पहला जो पेज होगा वो ऐसे होगा और उसमें लिखा रहेगा कि नीचे दिए गए रिक्त स्थानों को केवल नीले और काले बॉल पॉइंट पेन से भरें, फिल इन द फॉलोइंग एंट्रीज विद ब्लू ब्लैक बॉल पॉइंट पेन ओनली। तो आपको ब्लू और ब्लैक पेन से अलग कोई भी पेन यूज़ नहीं करना है, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है। अब जैसे हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर है सबसे पहला, तो आपको ये और याद रखना है कि जो भी आपको इन्फॉर्मेशन होगी वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगी, तो ये आपके लिए एक बहुत यूज़फुल चीज़ है। जो आपको इंग्लिश में समझ में नहीं आता है कुछ, तो वो हिंदी में आप देख सकते हैं, वैसे ऐसा कुछ नहीं है जो आपको समझ में नहीं आएगा। तो उस जो हमने रजिस्ट्रेशन नंबर लिया था, ये हम इसको कैसे फिल करेंगे, पहले पेज पे तो आपको बोला था A25, तो आपको यहाँ A लिखना है, यहाँ 2, यहाँ 5, ये सब इस बॉक्स के अंदर होना चाहिए, बाहर नहीं आना चाहिए। वो स्क्रीन पे आपको थोड़ा छोटा लग रहा है, बाकी बाहर जब आप वहाँ लिखेंगे तो आपको बड़ा बड़ा वहाँ पर मिल जाएगा। यहाँ 9 1 3 8 1 7 1 6 8 3। कैंडिडेट नेम जो लिखना है वो हमेशा कैपिटल लेटर्स में लिखना है, बट अगर आपने स्मॉल में भी बाई चांस गलती से लिख दिया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, बट आप कोशिश करें कि कैपिटल लेटर में ही लिखें, ANSHIKA। उसके बाद फादर्स नेम लिखना है, जो भी वहाँ आपको दिया हो, जो मतलब आपको हो, जो भी उस कैंडिडेट के फादर का नेम है वो यहाँ लिखना है। फिर उसके बाद आता है स्कूल कोड, जो कि यहाँ लिखना है, लेट इट बी कि वो 63225 था, उसको यहाँ लिख लेते हैं। विद्यालय का नाम चलते हाथ से लिखने का मतलब होता है कि आप एक बार स्टार्ट करेंगे, अलग अलग नहीं लिखना है, ऐसे अलग अलग नहीं लिखना है, वो साथ साथ लिखना है। कोई भी स्कूल का जो भी आपका नाम होगा वो यहाँ आप डाल सकते हैं, लाइक XYZ ऐसे करके आप उसको लिख पाएंगे। अब जो आपने यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा है उसके लिए फिर OMR सीट में ऐसा दिया होगा, अब उसको आपको फिल करना है, तो वो बड़े ध्यान से करना है। तो यहाँ जैसे हमने लिखा A, तो आपको इस A को पूरा डार्क करना है, ये पूरा डार्क होना चाहिए, ना ही तो बाहर निकलना चाहिए और ना ही ये खाली रहना चाहिए, ऐसे अगर आप करेंगे तो ये बिल्कुल सही है। सपोज़ पहली बात तो A है, तो A पे करना है, इसमें से किसी और पे मार्क नहीं करना है, डार्क इनको नहीं करना है। फिर जब आप डार्क कर रहे होंगे तो उसमें गलत कैसे होता है वो हम बाद में बताएंगे, पहले हम आपको ये पूरा समझा देते हैं। अब ये 2 है, 5 है, 9 1 3 9 1 3 8 1 7 1 8 1 7 1 6 8 3। अब 2 है तो 2 को डार्क करना है, आपको इसके लिए एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा, तो आराम से आपको करना है। ये 5 है, ये मैं बिल्कुल आप लोगों के लिए वैसे ही कर रहा हूँ जैसे आप लोगों को एग्ज़ाम में करना है। फिर 9 है, ऐसे ही आपको ये सारे बॉक्सेस फिल करने होते हैं, इसको कहते हैं ओएमआर सीट। अब इसमें और क्या क्या होगा, एक आपका स्कूल कोड होगा, स्कूल कोड था हमारा 63225, उनको यहाँ डार्क करना है, यहाँ 6 करेंगे
3 करेंगे, ऐसे इनको करेंगे। फिर जो आपका बुकलेट नंबर था वो यहाँ दिया जाएगा। बुकलेट नंबर आपका इंडिविजुअल होगा, हर एक बुकलेट का अलग होगा। तो 3594628, फिर वैसे ही जिस जो है उसके नीचे उसी नंबर को डार्क करना है। 3 है तो 3 को डार्क करना है, पूरा अच्छे से इसको डार्क करना है पूरा। फिर आपको 5 डार्क करना है, लाइकवाइज आपको ये सारे डार्क करने हैं। उसके बाद ये है आपकी आंसर की। यहाँ अगर सपोज करें फोर्थ क्वेश्चन का आंसर सी है तो आपको सी डार्क करना है। अगर आपने ये गलत किया, एग्जामिनर चेक नहीं करते हैं, ये कंप्यूटर बेस्ड चेकिंग होगी, तो कंप्यूटर चेक करते हैं और आपने जो मार्क किया है सिर्फ वो ही चेक होता है। और टीचर भी अगर चेक करेंगे तो सी को सी ही रीड किया जाएगा। अगर आपने डी ऑप्शन आपको पता है और गलती से सी लगाया, तो आपको सबसे ज़्यादा ये है कि जो क्वेश्चन आप करते हैं उसको तभी के तभी आप मार्क कर दें ओमआर सीट में। ये गलती ना करें कि पहले मैं सब आंसर टिक कर लेता हूं अपने आंसर सीट पे और फिर ओएमआर सीट में उसको भर लूंगा, तो वो बिल्कुल गलत तरीका होता है, उसमें बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं। कई बारी ऐसा होता है कि फर्स्ट का सी सेकंड का डी है तो हम कंफ्यूज होके डी और सी कर देते हैं, तो ऐसे आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। और कई बारी तो कुछ बच्चे ऐसा करते हैं कि स्टार्टिंग से उनका एक सीरीज ख़राब हो जाता है, मतलब फर्स्ट की जगह सेकंड से स्टार्ट कर देते हैं और सेकंड का जैसे फर्स्ट का आपका ए था तो वो सेकंड से स्टार्ट करेंगे तो सेकंड को ए कंसिडर कर लेंगे और फिर कंटिन्यू करते जाएंगे सबको। और थर्ड का सी था, अब आप ये देखिए वहाँ सेकंड का सी था तो हम थर्ड में सी कर देंगे क्योंकि हमारे लिए थर्ड वाला सेकंड नंबर बन जाएगा, वहाँ से कन्फ्यूजन जो क्रिएट होगा। अब हमारा जो थर्ड का आंसर था वो बी था, अब हम यहाँ बी पे मार्क कर देंगे। ये देख लीजिए आप, जैसे हमने यहाँ बी पे मार्क कर दिया, अब यहाँ हमें बी करना, यहाँ हमें सी करना था, यहाँ हमें ए करना था, यहाँ हमें आपका बी करना था, तो हमने सारा गड़बड़ कर दिया। तो सारे आंसर्स स्टार्टिंग से लास्ट तक गलत हो जाएंगे और फिर जीरो आएगा और फिर आपको लगेगा यार कुछ तो सही किया होगा, जीरो कैसे आ सकता है क्योंकि पूरा सीरीज गड़बड़ हो जाता है। फिर एक बार आपका सपोज करें ये सी गलत हो गया और आपने इसको इसके साथ साथ फिर बी को भी ऐसे मार्क कर दिया, तो ये गलत तरीका है। आपको अगर ए में ऐसे करके सोचा आपने कि ये मैंने टिक कर दिया है अब मेरा ये सही आंसर है, ये भी गलत तरीका है। अगर आपने कोई ऐसे बाहर बाहर से ऐसे ऐसे मार्क कर दिया तो भी गलत है। अगर आपने खाली छोड़ दिया और या फिर अंडरलाइन कर दिया ऐसे डी तो भी गलत है। ऐसे आपने जैसे बी है तो बी को ऐसे क्रॉस कर दिया कि ये सही है तो भी वो गलत हो जाएगा। अगर आपने ऐसे इनमें से कोई भी तरीका अपनाया तो वो सब आंसर्स गलत काउंट किए जाएंगे। तो आपको जैसे सी है एट का तो हम इसे पूरा पूरा डार्क करना पड़ेगा फर्स्ट थिंग, और सिर्फ इसी को डार्क करना है और किसी पे पेन नहीं चलाना है। एक बार जो आंसर आपने मार्क कर दिया उस मार्क को, उस आंसर को कट नहीं करना है, उस आंसर को कट नहीं करना है, ब्लेड वगैरह से उसको रब नहीं करना है। जो गलत हो गया वो गलत है, उस पे से दूसरे पे लगाएंगे तो वो भी गलत माना जाएगा। ये था तरीका आपका ओएमआर सीट को भरने का। 40 क्वेश्चन दिए जाएंगे, ऐसे 40 क्वेश्चंस होंगे तो 40 क्वेश्चंस को आपको अटेम्प्ट करना है। वन मार्कर सब होंगे तो एक मार्क का एक क्वेश्चन और उसका एक ही ऑप्शन जो कि आपके सामने होगा, ऐसे करके आपको पूरे 40 के 40 भरने हैं। नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी तो आपको क्वेश्चन कोई भी छोड़ के नहीं आना है। जो आपको लगता है कि ये मेरे को नहीं आते तो उस पर आप अपने हिसाब से थोड़ा आइडिया लगा के कि कौन सा ठीक ठाक हो सकता है आपके हिसाब से उस पर टिक कर सकते हैं। आज के इन्फॉर्मेशन कैसे लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, हमने एक सीरीज स्टार्ट की है जिसमें एक सोर्स वीडियो में आपको डेली इंपॉर्टेंट MCQs मिलेंगे और यहाँ भी आपको चैप्टर वाइज अब कल से MCQs कराए जाएंगे। डेली शाम को 5 बजे आपको आपका वीडियो मिल जाएगा, मैथ साइंस एंड SST आपको वहाँ कराया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू ट्रिक्स एंड क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।